हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 15 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130वीं जयंती मनाई गई है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मऊ इंदौर में अम्बेडकर की जन्म स्थली स्मारक है, जो 14 अप्रैल 1991 में 100वीं जन्म दिवस पर बनाई गई थी। मऊ का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। और देखिए, 14 अप्रैल को ही विश्व चकास रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए, 14 अप्रैल को ही तमिल नववर्ष या पुथंडु नववर्ष मनाया गया है। और देखिए, तमिल नंबर्स मतलब ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और देखिए, तमिलनाडु के सीएम के पलानी स्वामी हैं, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं और राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 में चंद्रमा पर रोवर रॉकेट भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। अब बात हो रही है यूएई की, तो देखिए, यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। और देखिए, यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ लॉन्ग जाम को। नाडा, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी और नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नाडा के सीईओ नवीन अग्रवाल हैं। और देखिए, बाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और देखिए, बाडा के महानिदेशक जॉन फाय हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, और बाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसी के नाम पर ये रायसीना संवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक बी। और ए रूस की वैक्सीन है। और देखिए, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, इसलिए उन्हीं के नाम पर स्पुतनिक वी ये वैक्सीन का नाम है। ये भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मनीष कुमार को लगाई गई थी। और देखिए, भारत में कोरोना वैक्सीन 16 जनवरी 2021 से लगाना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा संस्करण। पहला संस्करण पिछली बार लॉन्च किया गया था। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बात हो रही देखिए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मार्च 2021 में समापन तिमाही में 5078 करोड़ के शुद्ध लाभ की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। अब बात हो रही है देखिए इन्फोसिस की, तो देखिए इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति और नंदन नीलकणी हैं। और देखिए, इन्फोसिस कंपनी की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई थी। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इन्फोसिस कंपनी के एमडी और सीईओ सलिल पारेख हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। और देखिए, ये थे बलबीर सिंह जूनियर। और देखिए, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम है। और देखिए, भारतीय हॉकी संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 में हुई थी। और देखिए, एक साल बाद भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय लॉसने स्विट्जरलैंड में है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दुर्ब बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पद से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। और केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इनको 6 वर्षों में 4 बार इस पदक से सम्मानित किया गया है। ये हैं केन विलियमसन। और देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन हैं। और देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाए भुवनेश्वर कुमार ने। देखिए, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जयसाय। और देखिए, बीसीसीआई की फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होती है। और देखिए, आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बारकले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और आईसीसी के वर्तमान सीईओ मनु साहनी हैं। आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। और देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम बदल दिया है। और नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र के प्रदूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अब बात हो रही है, देखिए, जापान की। तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। तो देखिए, हमने 15 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन कर लिया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।